मस्त बना रखा है। थर्ड ओनर यूके ब्रो। हाँ ठीक है वास्तव। अभी मैंने यूके भाई का ब्लॉग देखा, ब्रो ने कार लिया लैम्बोर्गिनी यूराकन। तो यहाँ पे मैंने कार के डिटेल निकाली तो डिटेल तो आ गई कार की। सेकंड ओनर रजिस्टर्ड 2019, कलर तुम्हें पता चल जाएगा येलो पेट्रोल टाइप, नॉट इंक्लूड, ये चीजें इंक्लूड नहीं होती, चेसी नंबर, इंजन, मेन इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ नीचे दिख जाएगी। सो वो है, मैन्युफैक्चर हुई थी 2017 को और इसी टाइम फर्स्ट ओनर ने ली होगी, और सेकंड ओनर 2019 एंड थर्ड ओनर यूके ब्रो। तो यूके ब्रो ने अभी लिया 2023 में, नहीं 2024 में, तो ही इज द थर्ड ओनर। सो कॉन्गो भाई यूके भाई को, यूके भाई ने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया। अभी मैंने श्रद्धा कपूर की लैम्बो की डिटेल निकाली। श्रद्धा कपूर फर्स्ट ओनर रोज एंट्रोस, कार का कलर पेट्रोल होती है, ठीक है। हाइपोथिकेशन यहाँ पे पता है क्या है, इट मीन्स योर व्हीकल वाज परचेज ऑन अ लोन, ये तब होता है अगर यस है तो, सो इट वाज ऑन अ लोन, नॉट अ बिग डील। लुक एट द मंदिर, मस्त बना रखा है। ये जो मेन है ना, ये तो बन चुका है, बाहर की काफ़ी चीज़ें बनाने रह गई है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जटायु का स्टैचू मस्त बना रखा है। 4140 लिख, ये एलएनटी और टाटा के इंजीनियर जिन्होंने बनाया है। What's up everybody, welcome to another vlog। मैं जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून फाइनल रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक गाने की वेट बन चुके हैं, दूसरे गाने की शायद नहीं बनी, अब देखते हैं दूसरा वाला गाना किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो लेट्स सी, उसे कभी और रिकॉर्ड कर लेंगे। और आज रात को मैं चला जाऊँगा दिल्ली, और मेरे साथ जाएगा सुधांशु भी, वो भी दिल्ली जा रहा कुछ काम के लिए। मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में, अभी स्टूडियो बन रहा है, अभी मतलब 10% काम हुआ होगा, अभी बनना बाकी है बहुत सारा। अभी मेरे दूसरे गाने की बीट बनेगी, एक गाने की बनी हुई है, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। तो वॉइस प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग करूँगा। दूसरा वाला चालू हो चुका है, पहले वाला खत्म, दूसरा गाना हो चुका है रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्डिंग हो चुकी है ब्रो, मस्त बना है भाई। तेरा भाई जा रहा भाई, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला, नहीं रास्ता तो मिला हुआ था लेकिन मेरे को कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो सुधांशु को मैंने बुलाया, कॉल करके सुधांशु आया, मैं जा रहा हूँ आगे ब्रो। भाई ओमेगल जैसा ऐप है और इसमें मैं क्या मिला। रात के 3 बजे क्या चल रहा है ब्रो, हटा हटा कोई और लगा, चेंज कर, लोग आएंगे अभी। सो स्कूटी एरी, मैं हूँ फिलहाल हीरो के शोरूम में, और ये मिड वाला वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट है, अभी कलर देखते हैं ब्लू वाला, तेरे को बहुत छोटी लगेगी है ना। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू द ब्लॉग। फिलहाल मैं शोरूम में आ रखा हूँ हीरो के, क्योंकि मेरे को एक स्कूटी खरीदनी थी, मतलब मेरा काफी टाइम से प्लान था, 3-4 महीने से, तो मैंने सोचा आज खरीद ही लेता है। देखो भाई इसमें सामान रखने की जगह यहाँ पे टांग सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो जाती है लेकिन नॉट अ बिग इशू, बाकी लुक वगैरह तो सब कुछ ठीक है, हैं कंफर्टेबल है ना, सही है ना, ठीक है। प्राइस वगैरह का पता कर लिया इसका, ये पता है सेकंड वेरिएंट है वो है 92 और जो टॉप वेरिएंट है वो है 94। मैंने यार गूगल में देखा वेबसाइट्स में, तो पता है इसका प्राइस क्या है, इसका है 87 ऑन रोड सेकंड वेरिएंट का, और टॉप वेरिएंट का 92। तो वह स्कूटी हमने ले लिया, मैंने लिया टॉप वेरिएंट, ऑरेंज कलर का है क्योंकि वो देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था, और टॉप वेरिएंट मैंने उसे लिया क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क था। और टॉप वेरिएंट में पता है मेरे को दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और कॉर्निंग लाइट्स है वो मिल जाएगा, और जो मिड वाला वेरिएंट था उसमें ये दो चीज़ें नहीं थी। अब स्कूटी 2 घंटे के अंदर आ जाएगी, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ लग के, फिर ले कर चलेंगे उसे घर। सो देखो मैंने लिया है ये वाला वेरिएंट, इसमें तुम हेलमेट के 1045 काट दो और ये 300 रुपये वाले काट दो, तब 9589 फिर इसके ऊपर ऐसे। सुधांशु लेते हुए अपने लिए करिश्मा, अजीब ही नाम है भाई इसका, एक टाइम पे मस्त लगती थी 10 साल पहले शायद, अब तो और नॉर्मल ही लगती है। बैठ बैठ वहीं से बैठ जहाँ पे खड़ा है भैया, बैठ तो है, बैठ बैठ सुधांशु, अरे आराम से कर लेगा तू यार, लंबा है। हाँ चल सिद्धि कर, पैर आ रहे हैं ना पूरे, बस तेरे तो आ जाएंगे यार, तो लंबा है। सो अपनी स्कूटी 1 या 1.5 घंटे के अंदर आ जाएगी, आने के बाद उसमें साइड मिरर लगाना है, फुटरेस्ट लगाना है,
और बाकी जो थोड़ी मोड़ी एक्सेसरीज लगती है वो लगानी है। फिर उसमें एक चीज़ लगेगी कल, वो है साइड वाला स्टैंड सेंसर वाला। भाई ये चलाने में तो ठीक है, बस मेरे को एंटॉक से थोड़ी हल्की फील हो रही है। अच्छी बात है हल्की है तो। और इसका जो पॉस्चर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा वो है एरोडायनेमिक टाइप का और थोड़ी रेसिंग टाइप की लग रही है। टॉप मॉडल में मेरे को कॉर्निंग लाइट्स मिलेगी यहाँ पे लगी हुई, जैसे ही मैं मोड़ूंगा ना लेफ्ट या राइट तो अपने आप जल जाएगी। और उसमें एक और चीज़ मिलेगी मेरे को, वो है डिस्क, फ्रंट डिस्क। इसमें डिस्क नहीं है, ये सेकेंड वाला मॉडल है। और एक और चीज़ मिलेगी मेरे को टॉप मॉडल में, ये देखो इसमें स्टिकर लगाया ना, ये बेस वेरियंट है। मेरे में ना 3D रहेगा मेटल का। सो भाई अपनी आ चुके हैं फटपटिया। अपनी है क्या? हाँ ऑरेंज वाली थी। अच्छा ये भाई सुधांशु काफ़ी ठीक लग रही है ना वाइट वाले से, ये 3D है ना। हाँ अरे ये तो सही लग रही है यार ऑरेंज वाली। ये वाला कलर ठीक है। बाकी इसमें मिरर लगाने रह रहे हैं, फुटरेस्ट स्टैंड लगेगा कल। सही है, घुमा घुमा ब्रेक दबा के घुमाइए। मैं हाँ ठीक है, आवाज़ तो कलर भी अच्छा है ये वाला। सही में भाई ये कलर बड़ा तोड़ लगा मेरे को। ये इसकी कॉर्निंग लाइट्स है, घूमेंगे तो अपने आप मुड़ जाएगी। आगे डिस्क ब्रेक है, ये आगे डिस्क ब्रेक है। सुधांशु चाबी लगाइए, चलिए खोलियो डिग्गी टंकी, पेट्रोल भरने का ये पंगा है बस। बाहर रहता है यहाँ पे हाँ इसमें अंदर है, ये दिक्कत है बस, कोई नहीं। लेकिन भाई कलर देखो कितना तोड़ है, मैट कलर बड़ा मस्त लग रहा है, वो भी ऑरेंज। रेड भी अच्छा था लेकिन ऑरेंज ज़्यादा बेहतर है भाई। हेलमेट भी ऑरेंज तुक्के से, स्कूटी भी ऑरेंज तुक्के से। ये नहीं आता, ये वाले हेलमेट नहीं आते किसी के अंदर। इसका ना आगे का ये निकालना पड़ेगा तब आएगा। आ लिया जगह तो है, फिर बंद हो रहा है। तो भाई इसके अंदर आ चुका है सब कुछ यार, कलर देखो। सो भाई वो अंकल भी देख रहे हैं, कह रहे भाई स्कूटी बहुत अच्छी है। अंकल ने टेस्ट ड्राइव भी मारी, अंकल भी लेने की सोच रहे हैं ये वाली। भाई बेनिफिट ही बेनिफिट है, मतलब फीचर्स तो इसमें है, लुक तुमने देखी ली, कलर तुमने देख लिया कितना तोड़ लग रहा है। मेरा हेलमेट का कलर भी ऑरेंज, स्कूटी का कलर भी ऑरेंज, दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम। और ये कमाल की बात पता है क्या, जो मेरा हेलमेट है ना वो उसके अंदर फिट आ रहा है, एंटॉक के अंदर नहीं आता था। भाई ये देखो, ये है स्कूटी का इंजन हीरो की। अभी स्कूटी का है बाइक का है पता नहीं भाई। वो बंदे पता अभी तक फुटरेस्ट नहीं लगा पाए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उन्हें फुटरेस्ट लगाने में। यहाँ सब घर जाने लग गए और वो अभी तक नहीं लगा पाए थे। तब लोग बोलते हैं कि दिल्ली फास्ट है, यही पंगा है यार। देखते हैं, बंदा मेरे से पूछ भी रहा था भाई कल ले जाओगे या आज ले जाओगे, मैंने बोला अभी ले जाना भाई। अभी वो फुटरेस्ट ही लगा रहे हैं, बड़ा टाइम लग रहा है उन्हें एक चीज़ लगाने में। स्कूटी में सब कुछ हो चुका है, सारी फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गई, बस एक चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग, वो है गाड़ी का नंबर। अभी पता है नंबर नहीं आया, आधा घंटा आ गया नंबर, आ गया बस फाइनल काम है। अभी सब कुछ हो गया बस भाई, क्लीन करनी रह रही है, मतलब क्लीन ही आई थी है, लेकिन ऐसा सीरीज लगाने में थोड़ी गंदी हो गई। या ब्रो मीटर सही है, थोड़ा छोटा लेकिन सही है। चलो भाई नंबर प्लेट लग चुकी है, आगे भी लग गई पीछे भी लग गई, फाइनल प्रोसेस हो रही है इसमें, बाकी सब तो हो गया, बस क्लीन हो रही है थोड़ी। भाई पहली ड्राइविंग करता हुआ यहाँ पे सुधांशु, पहली बार चला रहे हैं मतलब शहर की सड़कों पे, और वो भी नई स्कूटी लेके। पीछे पीछे फॉलो करी हूँ मैं, दिख रहा है ना, ठीक है चला लेगा ना। चलो भाई हम चलते हुए घर, सही चल रही है। चलो भाई सही चल रही है, आवाज भी सही आ रही है। अब यहाँ से जाना है, फिर आगे से राइट, फिर सीधा घर। बस वाला आ गया, रोक ले, धीरे कर, ये ठोक देते हैं यहाँ के बस वाले। भाई यहाँ के बस वालों का बहुत बुरा हाल है भाई, पागलों की तरह चलाते हैं, किसी को भी ठोक देते हैं। अभी हमें जाना है पेट शॉप पे ब्रूनो के लिए खाना लेने के लिए, पेट शॉप पे तो आ गए। तो ये तो ले लिया, अब चलते हैं घर, सामान ले लेते हैं यहाँ से कुछ। आइयो अंदर रोक के, पनीर हो गया दोनों, वो रह रहे होंगे 30 रुपए। सो मंदिर आ चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पूजा पाठ कराना है, कुछ नहीं है, माला डालनी है, टीका लगाना है, हो गई छुट्टी। चलो भाई खड़ी करते हैं वहाँ पर, आली रे आली आली आली, वो गेट पर बैठा है सुधांशु के पास। कंफ्यूज हो गया, किसके पास जाऊँ, कंफ्यूज हो गया मैं। ले ले तेरी चाबी, ओ तेरी चाबी भैया, बाहर हो रही है बारिश, ज्यादा तेज नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है। अभी शोरूम वाले का फोन आया है, नंबर प्लेट आ चुकी है, तो नंबर प्लेट डलवाने के लिए जाना है स्कूटी में। यार वैसे तो उसमें नंबर प्लेट लगी हुई है, अब मुझे पता नहीं है वो किस टाइप के नंबर प्लेट लगाने वाले हैं। वो है वैसी, क्या बोलते उसका नाम, डमी। हाँ वो डमी है शायद, उसमें अभी ना जो है वो स्टिकर वाली है, उस पर सिर्फ स्टिकर लगे हैं, और जो अभी लगेगी वो देखते हैं किस तरीके से लगती है, जाके पता चलेगा। थोड़ी थोड़ी बारिश होती है लेकिन इसी बारिश में जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं नंबर प्लेट लगवाने, पेट्रोल कम था गाड़ी में तो हम पेट्रोल भराने आए हैं यहाँ पे,
पेट्रोल भर चुका है गाड़ी में। ये देखिए गाड़ी की पूजा वगैरह सब हो गई है, सब गाड़ी की नंबर प्लेट लगानी बाकी है, बाकी पेट्रोल भर चुका है। भाई हम आ चुके हैं शोरूम में, ये गाड़ी पे नंबर प्लेट ये सब लगाना है, सब लग गई है गाड़ी पे नंबर प्लेट। बारिश हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा सा रुके हैं, जैसी बारिश हल्की होगी तो हम निकल जाएंगे। I'm the one calling the shots. I don't get stuck in the box. Feel like I've been through a lot. Holding